अप्रैल 14, 1935 के कड़ी दोपहर में टेक्सास के एक छोटे से घर के सामने एक बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक अपने घर की ओर तेजी से दौड़ा। घर जाते ही वो अपनी माँ से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, दुनिया खत्म होने वाली है। किचन में काम करने वाली उसकी माँ ने हंसकर उसकी बात को अनसुना कर दिया। पर फिर अचानक से किचन की खिड़की से जोरदार हवा आई और वो अपने साथ लेकर आई धूल। इतनी धूल कि उनका पूरा घर एक रेगिस्तान में तब्दील हो गया। उसकी माँ ने घर का दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद कर दी और खिड़की बंद करते वक्त उसने देखा कि पूरा आसमान काले रंग का हो गया और जोरदार हवाओं के बीच एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान बन चुका था। ये मिट्टी का राक्षसी तूफान करीबन 10 माले की बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा होगा और इस तूफान को आज भी ब्लैक संडे के नाम से जाना जाता है, जिसमें डस्ट निमोनिया यानी लंग्स में बहुत ज्यादा धूल भर जाने की वजह से एक ही दिन में 7,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और पूरे 8 सालों तक अमेरिका के कई स्टेट्स में इस तूफान के कारण जमीन इतनी सूखी पड़ गई थी कि उस पर किसान खेती भी नहीं कर पाते थे। वेल, अब फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे होगे कि अमेरिका में हुए स्टॉर्म का हम इंडियन से क्या संबंध है, वेल, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस कहानी से हम सभी को एक बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे सर पर भी ऐसे ही धूल के काले बादल मंडरा रहे हैं जिसका कहर हम पर कभी भी बरस सकता है। एंड यू नो व्हाट, इसकी शुरुआत एक्चुअली में हो भी चुकी है। 2018 में दिल्ली में एक ऐसा तूफान आया था जिसकी वजह से 100 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये तो एक बहुत ही छोटे पैमाने पर था, पर बड़े से बड़े सैंडस्टॉर्म्स में करीबन 1 मिलियन टन धूल मिट्टी होती है और वो लगातार 3 महीनों तक उसके सामने आने वाले हर इंसान और हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। और ये समस्या सच में इतनी गंभीर है कि इससे बचने के लिए इंडिया 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन वॉल बनाने वाला है, जिसमें पूरे के पूरे 135 करोड़ पेड़ लगने वाले हैं और यही पेड़ इन सैंडस्टॉर्म से हमारी रक्षा करेंगे। पर इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इतनी धूल आखिर आती कहां से, Why is India so dusty? So, hello friends, मैं हूं गौरव और आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में, Why is India so dusty? So, without wasting any time, let us get on. इंडिया के क्लाइमेट का कंट्रीब्यूशन। क्या आपको पता है इंडिया में धूल होने का सबसे बड़ा कारण है इंडिया का क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर पूरे साल सब रूखा सूखा होता है और बस सिर्फ जून से लेकर सितंबर तक ही बारिश गिरती है। एंड दैट इज ऑल द एक्शन वी गेट, ओनली अनलेस एंड अंटिल आप नॉर्थ में रहते हो। अगर नहीं तो बाकी के पूरे देश में ठंड भी गर्मी के छोटे भाई जैसे ही लगती है। यू नो, पूरे दिन तपती धूप और सिर्फ रात को ही पड़ती है कड़कड़ाती ठंड। हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में हर साल 2 ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। बारिश के मौसम में कैसे वो एकदम हरी भरी हो जाती है और जितना भी धूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो बारिश की वजह से अर्थ के सरफेस तक आ जाता है। पर फिर जैसे ही बारिश का सीजन खत्म हो जाता है तब जमीन पर उगे हुए घास और वनस्पतियां जमीन को ढीला कर देती है और फिर वही ढीली जमीन गर्मी के कारण अपना मॉइस्चर खोने लगती है, जिस वजह से जमीन और चट्टानों में क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन्हीं क्रैक्स के वजह से फिर धूल प्रोड्यूस होती है और फिर उसी धूल को ले जाए जाने कहां, ये हवाएं हवाएं। So, इससे हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इंडिया में धूल बनने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। बट ये इकलौता फैक्टर, देखते हैं कि दूर देशों से भी मिट्टी इंडिया तक कैसे पहुंचती है। वेल, एक सैंड ब्लोइंग फैक्ट जानना चाहोगे? क्या आपको पता है हजारों सालों से और आज भी हर साल, वेल यस, ये सच है, क्योंकि जो मानसून विंड्स हमारे यहाँ पर आती है ना, वो अरब के रेगिस्तानों से धूल लेकर अरेबियन सी से गुजरते हुए हमारे देश में पहुंचती है और उस बारिश में साथ आई हुई धूल एटमॉस्फेयर से जमीन पर जम जाती है। पर जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये अरबी रेत फिर एक बार हमारे एटमॉस्फेयर में मिलकर सब जगह फैलने लगती है। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में धूल का सबसे बड़ा दोषी हम ट्रैफिक को कहते हैं, पर एक बात बताऊं, लंदन की सड़कों पर तो इंडिया से दुगना ट्रैफिक होता है, तो फिर वहां के लोग साफ और शुद्ध हवा में सांस कैसे ले लेते हैं? बस सिंपली ट्रैफिक रूल्स का बहुत ही सिंसियर पालन है। वहां के रास्तों पर जो लेन्स होते हैं ना, उन्हें गाड़ियां फॉलो करती है और ऐसे करने की वजह से वहां पर स्पेस बन जाती है और फिर हवा अपना काम कर लेती है और साथ ही वहां की सड़कें भी काफी मेंटेन्ड होती है, यानी उनमें गड्ढे वगैरह नहीं होते और उनकी गाड़ी
गाड़ियां भी जूनी नहीं होती। अगर आपको ये पता ना हो तो जूनी गाड़ियां नई गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन रिलीज करती है, और इसीलिए इट्स अ गुड चॉइस कि आप कोई जूनी मॉडल की गाड़ी ना यूज करो। इंडिया में ट्रैफिक धूल और प्रदूषण फैलाने में एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर का काम जरूर करती है, पर हम इस प्रॉब्लम को एक ऑर्गेनाइज अप्रोच से बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में भी लोगों को लेन सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक मौजूद है ना वो एक मूविंग ट्रैफिक हो और ना कि एक ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स में रुकी हुई गाड़ियां ज्यादा गैस प्रोड्यूस करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी को गाड़ी की तरह ही चलाना चाहिए, वरना यहाँ के कुछ लोग तो गाड़ियां ऐसे चलाते हैं जैसे कि जंग पर जा रहे हो, और इससे तुम ना सिर्फ पूरे मोहल्ले के सेफ्टी और सिक्योरिटी को जोखिम में डाल रहे हो, पर ज्यादा फ्यूल भी यूज कर रहे हो और नतीजन ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो। रोड है या फिर कोई बड़ा गड्ढा। अब फ्रेंड्स जरा सोचिए, बाहर कड़कड़ाती बारिश गिर रही है और तुम एक ठंडी लॉन्ग ड्राइव का मजा उठाने के लिए अपनी गाड़ी निकालते हो, पर ड्राइव को एंजॉय करने के बजाय पूरा समय तो तुम बस गड्ढों में से अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। वेल, अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। वैसे आपको शायद ये जानकर झटका लगेगा कि जिस रास्ते पर गड्ढे हैं उसे बनाने वाले बिल्डर से कोई पूछताछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लॉ के अनुसार रास्ते के कंस्ट्रक्शन के बाद उसके मेंटेनेंस के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ टोल वाले रोड्स की ही पूरी जिम्मेदारी बिल्डर्स के कंधों पर होती है, और इसीलिए देखा ही होगा तुमने, जिन रोड्स पर तुम टोल्स भरते हो वो सारे रोड्स हमेशा वेल मेंटेन्ड होते हैं। उन रोड्स में आपको कहीं पर भी गड्ढे वगैरह नहीं मिलेंगे, पर जब बात आती है बाकी के रोड्स की, तब हमारे साथ होता है एक बड़ा सा स्कैम, क्योंकि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कम से कम कॉन्क्रीट इस्तेमाल करके ये रास्ते बनाते हैं, और फिर क्या, बारिश आते ही वो रास्ते कम और एसएल वर्ल्ड के रोलर कोस्टर ज्यादा लगते हैं, और इस वजह से गाड़ी के एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, पर बारिश जाने के बाद इन गड्ढों की वजह से और ज्यादा मिट्टी फिर एक बार हवा में फैल जाती है। अनपेव्ड रोड्स को लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स का खिताब मिला है, और इस लार्जेस्ट नेटवर्क में 2.2 मिलियन तो गांव के अनपेव्ड रोड्स यानी कि कच्चे रास्ते हैं। आपने देखे होंगे गांव में कच्चे रास्ते या फिर उबड़ खाबड़ सड़कें, जिन्हें बनाते वक्त कंक्रीट का बस नाम भर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश के सारे रास्तों को धूल कम करने के लिए नहीं, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम आसान करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि अभी के सड़कों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो भी कूड़ा कचरा और पानी होता है वो सीधा रोड के साइड में जमा हो जाता है, और रास्ते के साइड वाले लेन को कचरा कलेक्ट करने और पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि अगर हम दोनों साइड के लास्ट लेन को इस्तेमाल कर पाते तो रास्ते के बीच में इतना ट्रैफिक जमा नहीं होता और ट्रैफिक का एक फ्लो भी मेंटेन होता, और जिसके कारण ना धूल बढ़ती और ना हवा में प्रदूषण होता। नो मेंटेनेंस। अब फ्रेंड्स, कचरा साफ करने वाली गाड़ी के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में ये आता होगा बिल्कुल, पर क्या आपको पता है बेजिंग के रास्तों को क्लीन करने के लिए और क्लीन रखने के लिए रोज 24 घंटे ऐसे छोटे और क्यूट से मशीन्स हैं जो सब जगह पर घूमते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हर रोज वो भी दिन के 24 घंटे ये मशीन ट्रैफिक का फ्लो समझकर अपना रास्ता खुद डिसाइड करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये ना सिर्फ कूड़ा उठाते हैं, ये बहुत सारे पानी से रगड़ रगड़ कर रास्ते को साफ भी करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया है, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में भी ऐसे मशीनों को देखा गया है, पर अनफॉर्चुनेटली वो इतने कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वो ज्यादातर सफाई का काम रात को करते थे और वो भी ऐसे रास्तों पर जिसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब इस बात की कोई सेंस बनती है क्या? पर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ रास्तों पर गाड़ियां इतनी होती है कि मशीन तो छोड़ो, कोई कुत्ता भी साइड में नहीं चल सकता। पर हमारे पास ऐसी मशीनें बहुत कम है, क्योंकि रास्तों को साफ करने वाली इन मशीनों की कीमत लिटरली आसमान छूती है। इस एक मशीन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, तो सोचो अगर हर शहर और गांव के हर एक रास्ते पर एक मशीन लगाई जाए तो कितनी कीमत हमें इन मशीन्स को खरीदने में चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पर रास्ते 19th सेंचुरी के क्लीनिंग मेथड्स यूज करते हैं, जिससे सिर्फ एयर पंप्स और कम से कम पानी इस्तेमाल करके रास्ता साफ किया जाता है, और इसी वजह से रास्तों की धूल और मिट्टी बस एक साइड से दूसरे साइड होती जाती है, और मिट्टी बस एक जगह जम के रह जाती है और पैसे हो जाते हैं बर्बाद। नो सेंस ऑफ ग्रीनरी। अब फ्रेंड्स, डिड यू नो कि चाइना के रास्तों पर कुछ लोग एक लकड़ी और बॉक्स लेकर 12 घंटों तक घूमते रहते हैं, और उनका काम क्या होता है? वेल, सड़क पर पड़े हुए सूखे पत्ते, सूखा कचरा और सिगरेट के बड्स को उठाना। और अब जरा सोचो एक बार, अगर इंडिया में ऐसे हो तो वेल, वो बात अलग है कि शायद इन वर्कर्स के लिए 12 घंटे भी कम हो जाएंगे, पर ऑब्वियसली क्लीनलीनेस जरूर बढ़ेगा। वेल, अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है पेड़। हमें ये तो पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये धूल को ब्लॉक
करने के लिए नेचुरल बैरिकेड्स का भी काम करते हैं। वो इस तरह से कि पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल को बाइंड करके यानी कि बांध कर रखते हैं, और ये चीज सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। अब सॉइल इरोजन बोले तो जो जमीन की पहली लेयर होती है उसे नष्ट होकर धूल बनने से रोकती है, और ये पेड़ पौधे घास फूस हवा में मौजूद धूल को भी ब्लॉक करते हैं। पर हमारे देश में किसी सिस्टमैटिक तरीके में पेड़ नहीं उगाए जाते, ज्यादातर पेड़ नेचुरली उगते हैं, पर फिर उन पेड़ों को भी काट दिया जाता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बांधने के लिए। पेड़ को काटना कम और लगाना ज्यादा होगा, क्योंकि तभी हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर पाएंगे एंड एज अ रिजल्ट इंडिया का डस्टीनेस कम होगा। पुअर सिविक प्लानिंग। सोचो, इतना डेवलपमेंट करने के लिए उतने सारे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स का काम शुरू करना पड़ेगा, पर बात यह है ना कि काम शुरू तो होता है लेकिन खत्म होने में इतने साल निकल जाते हैं कि 10 साल के चिंटू के भी बड़े होकर उसकी शादी हो जाती है। वेल, अब आप खुद ही देख लो, मुंबई में जो मेट्रो बन रही है उसका काम भी कितने सालों से चलते आ रहा है। प्लस अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो उसे ढक कर रखना चाहिए, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन रोड का हो या फिर किसी स्काई स्क्रेपर का हो। और ढक के रखने का मतलब क्या होता है? वेल, बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स को एक बड़े ग्रीन कपड़े से कवर किया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन में बनने वाली डस्ट को बाहर जाने से रोका जा सके। पर अब सवाल यह है कि क्या इंडिया में ऐसा होता है? वेल, बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में अगर आपको एक भी देखने मिल जाए तो। ऐसा हम करते ही नहीं है, और बल्कि अगर घर का कंस्ट्रक्शन चालू है तो हम सामने वाले रास्ते को अपना प्राइवेट स्टोरेज समझकर वहीं पर सारा माल मटेरियल इक्विपमेंट्स को रख देते हैं, और इससे धूल को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और इन्हीं घरों और सारी बिल्डिंगों को बनाने के चक्कर में हम धूल के नेचुरल बैरिकेड्स यानी कि पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, और खुद के आसपास एक कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, जिस वजह से हवा को जाने के लिए जगह ही नहीं बच रही है। और इन कंक्रीट वॉल्स की वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंक्रीट खुद में ही हीट को स्टोर करती है। यानी एक गर्म धूल मिट्टी से भरा कंक्रीट का जंगल हीट को अंदर ही अंदर इंडक्ट करके रखता है। और अब आप खुद ही सोचिए कि क्या आप ऐसे जगह में रहना चाहोगे? वेल, एंड द क्लियर आंसर इज नो। बट क्या हम इन सभी सॉल्यूशंस पर वर्क कर रहे हैं? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? आपका जो भी जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना। वेल, इस धूल को कंट्रोल करने के लिए काफी प्रयास जारी है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीका के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर इंडिया में भी इसे शुरू करने का प्लान किया है, जिसमें वो गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा तक 1400 किलोमीटर का एक ग्रीन बेल्ट बनाने वाले हैं, जिसमें करीबन 135 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अब आप जानते हो कि इंडिया डस्टी क्यों है और किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है हमारे देश की डस्टीनेस को कम करने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो, और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!